ओम शांति। जून मास आते ही मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा की यादें सारे दिल और दिमाग पर छा जाती है। स्मृति आती रहती है क्योंकि मम्मा के संग जो बिताए हुए दिन हैं, जो मम्मा का प्यार मिला, दुलार मिला, स्नेह मिला और शिक्षाएं मीठी मीठी मिली, जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया। पर पालक आई थी तो मम्मा ने कहा ये पालक साफ कर लो, तोड़ लो। मैंने ऊपर ऊपर की पत्तियां तो तोड़ी, लेकिन नीचे के जो जड़ में उसके किल्ले छोटे छोटे पत्ते होते मुलायम, उसको छोड़ दिया। फिर मम्मा ने तोड़ के दिखाया, कहा देखो इतनी पालक के डंडियों के बीच में इतना निकला है, एक लोगों का साग बन सकता है, तो इसको भी सफल करना है, ऐसे नहीं फेंकना है। तो हर तरह से मम्मा ने सिखाया। एक दिन मम्मा ने मुझे बुला के कहा कि मैं रोज गुरुवार को भोग बनाती हूँ। फिर मम्मा जाती थी मुरली सुनाने चलाने, भोली दादी तैयारी करके रखती थी, तो मम्मा मुझे साथ ले गई और कहा देखो ऐसे बाबा का भोग बनाना है, बाबा कल्प के बाद आया है और इसी समय हम ब्राह्मण बच्चे बाबा को भोग प्यार से स्वीकार कराते हैं, द्वापर युग में तो मूर्तियों के आगे रखा। अगर किसी का भाई, चाचा, मामा, काका, पिता कोई भी आ जाए विदेश से, जो सिर्फ 3 साल के बाद आया होगा, तो बहुत प्यार से उसको भोजन खिलाएंगे कि 3 साल से बाद विदेश में आया और हमारा माता पिता बंधु सखा साजन सतगुरु 5000 वर्ष के बाद कल्प में आया है और फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगा, तो उसको बहुत प्यार से अपने हाथ से भोजन बना के भोग लगाना है। तो इसी तरह से मम्मा ने कहा कुछ भी हो, कितना भी व्यस्त रहो, लेकिन बाबा का भोग अपने हाथ से बनाना। और वो बात मम्मा ने दिल में इतनी छाप लगा दी जो आज तक भी मैं बाबा का भोग बनाती हूँ। जैसे मम्मा क्लास से पहले जा करके बना के भोग का तैयारी करके जाती थी।